हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपन समस्तनकु चैनल रे बहुत बहुत स्वागत जनाउची। आशा करूची आपन माने समस्त भलरे थिबे। आज होउची कि बार मंगलवार, एबे टाइम हे गेलानी माने 6टा हबो, एबे 6टा संध्या 6टा हबो। तो एबे मु घर सब झाड़फड़ कर देछि, खाली संध्या देब। संध्या माने मामाली एबे धूप दउ सबले संध्या, तो से धूप दे देबो। आउ तो आज सकाळे मु किछि ब्लॉग स्टार्ट कर नथिलि, बनै नथिलि। एने इच्छा हलाले सेमिति किछि नथिला जे ब्लॉग बनैला होलिया, तो सेतिपय आज मु स्किप कर देली सकाळे। भाबिली संध्या आळुकु इच्छा बिन एबे भी किछि बनेवार किछि प्लानिंग नथिला, हठात पुनी हला जे ब्लॉग बनेबी। केना मु एबे डेली डेली ब्लॉग पोस्ट करिया को चाहू छी। आपन मन देखुथबे लास्ट दिटा ब्लॉग मोर लगातार का जाय छी, तो सेतिपय भाबिली एबे रेगुलर मते ब्लॉग न करले पुनी डेली ब्लॉग केमिति पोस्ट करबी। तो सकाळे आज कर नथिलि, तो एबे भाबी छी ब्लॉग आरंभ करबी। आज दिनटा मुझे रेस्ट कर बहुत सकाल मुझे पूरा रेस्ट कर रेस्ट माने ओनली जी नॉर्मल काम मोर झाड़ू पोछा गाधुआ पाधुआ पूजा रोसे कली, बाकी सफा सफी सब आज से हजबैंड पुआ मिसी करछंती। कपड़ा बहुत सारा नहीं, सोफा कभर सफा ही नाला गोटे दुई मैं दुई सप्ताह कि तीन सप्ताह है सोफा कभर आउ बेडसीट फेडसीट जहाँ थी सब आज से पुओ आउ हजबैंड मिसिक दिजा आज सफा कले। सफा कले मुझे टोटाल से जाने मेसिन सफा कले, धोले सुखले सबू कले, मुझे टोटाली पाखु जाए मत भी डाकी ना। से दु जन हजबैंड बस बस बोर हो तो से भाविले मुझे करदे तुम्हें सेपट रोसेवास कर। मुझे भी आराम से रोसे कली, ब्लग पोस्ट कली, एमती कर सब कम करी, मोर यूट्यूब कम सब करी, तो मैंने मत डिस्टर्ब न करम सी कले, मो कम कली। आप ठीक दुईटा बेलू रोसे सरी जाए, दुईटा ना देटा बेलू रोसे सरी जाता, भेज तो हूँ रोसे सरी जाता, बट से सफा करके गाधे पाधे आसला दुईटा दस पंदर होगा। आम आज खाई बेलू अढ़ेटा होगा, तो खाई टे रेस्ट नी, रेस्ट नहीं उठिली एवं सन्दे रेस्ट मैंने शोई ना, घंटे खंडे रेस्ट नहीं पांचटा बेल उठिली बेड्रु। उठिक हूँ आज एक्चुअली आम गोटे व्टरमेलन मिल जाइए, मैंने तरभुज जोटा सेटा मुझे जूस करी एवं। तरभुज जूस बहुत भल लगे, गरम दिन में बहुत भल लगे पीले पूरा आत्मशांति हे। बट ए तो गरम तो ये होता दु तीन दिन भल से गरम मैं लगुला, बट तापर एत बर्षा है तीन दिन है पूरा वेदर थंडा थंडा लगुच, आ पूरा एक दुई फैन चलू, रात भी थंडा लगुच, फैन बंद करके शो पड़ू आम एम थंडा लगुच। तो बेस गरम ना, बट मिली ये फास्ट ए बर्षर फास्ट व्टरमेलन मिलगला आज, तो भाई जूस करी। आ जूसटा बहुत भल लगे एक्चुअली, एमती खाइबा अपेक्षा जूस करके आप पीबे। आ मेन कथा जो मैंने चीनी खाऊ ना से चीनी पकेबे, बाकी जो मैंने चीनी खाऊ पक पीबे बहुत भल लगे। तो मुझे तार जूस आज बनैबी। तापर आज प्लानिंग नाला किसी रोसे करा, कहीं ननभेज तो मो पाकर बेस पसंद मिलूनी, जेहेतु बुबू कहला बुबूर पनीर फेवरेट कला, पनीर के होनी मामा तुम्हें आज पनीर कर। से दिज ननभेज ना मो पा दिज जगह भात खाईपारती, से मुझे ठीक अच्छे पनीर करदेवी। आ कहला पूरी पनीर कर, तो पूरी करेंगे पूरी एक्चुअली आज अटारे पूरी नुह, आज गोटे अलग जिनस पूरी करी जोटा कि रेसीपी आपण सहित सेयार करी। पनीर भाई कढ़ाई पनीर करदेवी, कढ़ाई खाली पनीर तरक हजबैंड को पसंद नुह कहीं से पनीर भल पाते, बट एम कढ़ाई पनीर करी मशरूम पिज सरी मशरूम कौन सिमला मिर्च पिज पकड़े से खाईदे। तो से मुझे कढ़ाई पनीर करी आ पूरी अलग गोटे करी आज आप सहित सेयार करी। तो ये चलते प्रथम मुझे जूस बनई दिए व्टरमेलन पी सारापर मुझे रोसे करी। तो चलो देखो यहाँ आम ए बर्षर प्रथम व्टरमेलन तरबूज आगे मुझे जूस बनैबी। आ देखते ये काटिकी देख खाइक आनस टे भल भाव धोई भी देखे मुझे यार जूस बनैबी। तो फटाफट मुझे कटाकटी कर दिए, तापर फटाफट पनीर काटिदे मत छुरी में बस भलसे काटी आसनी, तो से मुझे पनीर सब काटी नौ छोट छोट कर मंजी भी तार बाहर करके एका सांगे रखी। तो ये भल लाल ना, बट मीठा थी भल देखा बेस लाल नुह, बट मीठा थी बहुत भल लगे यहाँ। तो देखो ये सब मुझे काटिदेली एतिक आपको मुझे चार ग्लास सरबत बनैबी जूस जहाँ भी कौन। तो ये मुझे ब्लेंडिंग जारे सब देदेवी अदा अदा करके किसी आइस क्यूब देवी आउ ये गोलमरीच अच्छी आपड़ी पाउडर थी तेज़े पचर एड कर मिक्स करदे, बट मो पाखे पाउडर ना तो मुझे गोटा गोलमरीच एड कर
आ चीनी चीनी जदि आप न खाऊे तो चीनी देवेन जब खाऊे तो देते पेस्ट हिसाब से कैसे मीटर देदेव तब मुझे ग्राइंडिंग कर दे पूरा भल से देखु थे ग्राइंडिंग कर करदे चीनी मेल्ट है भल से ग्राइंडिंग करदे से सेम गुड़ा सब ग्राइंडिंग कर देखु रेडी होगा आम वाटरमेलन जूस तब मुझे सर्व कर देती तो डल देखा डल तो देख देख देखा तो डलटा तल को ठीक टेस्ट करके लगे सत कह गोलमच आठ पक राग भल ना डाइजेसन हम जुखाम नहीं होगा मस्त है ओ मामा ले पिए नहीं बट पिउ छी मारे भल होई छी ये डॉल जो कपड़ा पिंदी छी मामा ले डिजाइनर डिजाइनर मत मचियो हमर ले बढ़िया बनी छी हम जो बोल कहू नु जो से जा बनी छी आज कल जियो जो पिंदना ते कपड़ा वेस्टर्न कल्चर जो कपड़ा पिंदन छी से कपड़ा से निजे बनी छी दोनों देखे देखते फ्रंट साइड से निजे सिलई कर हाथ में सब काटिकी बैक साइड सैडा गरम जोर हो जूस कर आत्मा शांति देखो खाली जूस पीयारे ही मोर ये बासन हो गला चा खा पीएनि ओनली जूस पीरु ये बासन धोई धो सर मुझे कढ़ाई पनीर पर सब मसला काटिदे चप करदे टमाटो पिज काजू गुजराती डालचीनी आ लवंग गोलमरीच ठीक अच्छे पेस्ट हम मैं फ्राए हो बाकी ये सब शिमला मिर्च पिज पनीर ये सब स्क्वायर साइज काटि चलते प्रथम फ्राए कर ना तो प्रथम आम गोटे पैन गरम करवा गोटे चामच तेल दबा जेकोसी तेल आपण पसंद मुझे सोरीज तेल कर सब तो प्रथम ये मुझे पनीर को फ्राए करदेवि तेल आपने पनीर को फ्राए करेंगे कहीं पनीर पकला तेलटा पूरा छिटके ऊपर को तो तेल खुली पनीर को फ्राए करेंगे तो देखो पनीर को ये मुझे गोटे मिनट जस्ट फ्राए करदे तो ये बाहर करदे बेस समय फ्राए करेनि कहीं पनीर गुड़ाक टाण हो जदि बेस फ्राए हो जाए गरम पा लुण देखिए रखीदेव किसी समय से नरम हो गोटे मिनट जस्ट फ्राए करके बाहर करदे आ सेम तेल मुझे पियाज आ शिमला मिर्च दुटे जाक सांगे भाजीदेवि कहीं दुटे जाक भाजवाप एका टाइम निए तो से दुटे जाक ये एका सांगे फ्राए करी ये मुझे दुई मिनिट जाए मुझे दुई मिनिट भाजी बेसी नुह तो दुई मिनिट टे हाई फ्लेम फ्राए कर नरम करना बस टिके खाली पचास मिनट जावा जाए दुई मिनट फ्राए कर ना देखो ये मुझे दुई मिनिट फ्राए करदे तो ये मुझे सब बाहर करदे सेम कड़े में हाफ टी स्पून ऑयल दौची तेल गरम है से हाफ टी स्पून जीरा भी दौर जो गोटा मसला गुजराती डालचीनी गोलमरीच और लवंग ताको भी एम एड करदे टे फ्राए होगा से पियाज
काजू ताको ऐड कर दूसरी पिज को प्रथम सफ्ट करदे आम से टमाटो आड कर कभर करदे तो देखो ये पिज टे फ्राए हो गला तो मुझे जो टमाटो गोटे काटिक रखिले भी आड करदे टमाटो को सफ्ट करने जल्दी सफ्ट करने मुझे हाफ टी स्पून लुण देदेली जी ताको मिक्स करदे भल भाव मिक्स करदे मुझे कवर बंद कर अदा रसुण पेस्ट मुझे गोटे चामच आड कर चाहिए गोटा रसुण कोला और गोटे इंच अदा भी एथे आड करेंगे ये एक्चुअली अदा रसुण पेस्टा मतलब प्रथम पकड़ था टमाटो पूर्व बट मुझे एवं पकाचे आपण मैंने पिज पकेबे जो तापर अदा रसुण पेस्ट इतने आड करदे मिक्स करके मुझे कवर करदे देखूँ तो मुझे दुई तीन मिनिट पूरा भल भाव फ्राए करदे आईगला तो मुझे गैस को बंद करदे बंद करके पूरा थंडा करदे थंडा करके पेस्ट बनईद प्यूरी बनईद जोटा कि आम मसला आकार कड़ाई पनीर आड कर देखो ये पूरा थंडा होगा मुझे ब्लेंडिंग जारे देदे पूरा फाइन पेस्ट करदे पा देवेनि पा दे छिटकी पड़ो बाहर को एमती प्लेन करके आपड़ी आड करवा करदे देखो ये पूरा भल भाव ब्लेंड करदे तब नेक्स्ट प्रोसेस को चलन जावा तब आम गोटे कड़ई ना से गोटे चामच तेल दबा एर कि आड करवानी एवं तेल को भल भाव गरम हवाक दबा गरम होगा से गैस को पूरा लो करदे हल्दी पाउडर आ रेड चिल्ली पाउडर देदे देखिए टिके मिक्स करदे मिक्स करके जो मसला हमें ग्राइंडिंग करते ऐड कर दबा साइंग साइंग या तो मिक्स कर दबा नहीं तो ना जो सुखला लंका पाउडर आ हल्दी जली जली कला पड़ी जोटा कि मानते ग्रेवी कलर को खराब करदे और सांगे सांगे पकईकी मिक्स करदे आ जो ब्लेंडिंग जार बाटी थी धोईकी भल भाव में अल्प पा आड करदे भल भाव मिक्स करदे आगे मुझे हाफ चामच जीरा पाउडर ओनली दे कि नुक भल भाव मिक्स करवा मिक्स करके मुझे कभर करदे दुई मिनिट पाई जो तेल अच्छे से सेपरेट होगा जाए मुझे दुई मिनिट कभर कर देखो ये मसला को मुझे दुई तीन मिनिट भल भाव कषिदेली तो एवं आम से पिज आ शिमला मिर्च को देदे सर अल्प पा आड कर टे ग्रेवी रखापी अल्प पा आड कर चाहिए न भी आड करेंगे मिक्स कर सारापर ए पनीर भी आड करदे भल भाव मिक्स करदे मैं हाफ चामच लुण दूसरी ग्रेवी कवर कर सुजी आलूर जो मुझे पूरी बनेबी से गोटे कप एटा उषुम पा अच्छे गोटे कप उषुम पा हाफ कप एटा सुजी ताको मुझे देदेली देखिए ताको भल भाव मिक्स करदे तो भल भाव मिक्स करदे मिक्स कर देके ताको कभर करके आम दस मिनिट पाई छाड़दे देखो ये सुजी पूरा भल भाव मिक्स होती मुझे गोटे मीडियम साइज़ सैज्र आलू को बॉईल कर दे थी ताको चकटी नहीं ची पूरा प्लेन करी चकट देबे देखिए एथिरे ऐड कर देबे हाफ टी स्पून जीरा मुझे एथिरे ऐड करछि आउ किछि धनिया पत्र पूरा छोट छोट करी काट नहीं थी आउ दुईटा माने कंचा लंका ताको भी छोट छोट करी काट नहीं थी ताको ऐड कर देबे आउ हाफ चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स जोरा मु घरे एटा तयारी करछि आवश्यक अनुसार लुण देखिए आम भल भाव मिक्स करवा तो देखिपे ये मुझे भल भाव मिक्स करदे एवं यार बालान्स करने या बेटर मान ये डो को ये मुझे अटा आड करी मुझे हलदी दे कलरटा भल आसवे आम पूरी बनवा ये हूँ गोटे कप अटा अच्छे मुझे धीरे धीरे करके मिक्स करी त
तबे हमें हाथ साहय चकटी ना के अटा दरकार हे से हिसाब से सब गोटे कप अटा मुझे सब एड करदेली भल भाव चकटी ना एवं मुझे दुई चामच तेल दे दूची कहीं बाइंडिंग आम टे चिकिणिया हम जमी मैं नॉन स्टिक हम हाथ में लगभनि तो से आम भल दुई चामच तेल दे पूरा भल भाव चकटी ना देख दुई मुझे भल भाव चकटी देली एवं तापर मुझे तेल लगे दूची लगे कभर कर रखीद पांच मिनिट में लाइट हाँ कभर कर रखीद देखिए आम कढ़ाई पनीर रेडी होगा तो मुझे मो पाखे तो कढ़ाई ना सर्व करने मुझे कढ़ाई नहीं आपण मैं देखे दूची देखु तो देखो ये पूरा सेट हो गला तो ये आम से पूरी बेली ना बल भी बन दूसरे टी बड़ सैज्र करेंगे नर्माल पूरी ठार कहीं आलू आ सुजी दिहे तो से मोटा मोटा हाँ ये पूरीटा ये सैज्र मुझे बल सब बन दूसरी तेल हाथ होने हाथ में तेल लगे आपत बल बनदे ऊपरे तेल लगेदे तेल लगे कहीं शुखिला अटा कि मैदा आज लगे तेल लगे बेल देखिए देखो एट मोटा करके सब बेली ने फ्लेम मुझे तेल गरम कर दे गोटे पकई देखी तेल को हाई फ्लेम गरम करके छाणला बेल मीडियम फ्लेम करदे कहीं टे मोटा मोटा पूरी आमर हम से सीझा दरकार भितरटा भी भल भल कहीं अटा अटारे जमी पूरी हुए सब बहुत जल्दी हो जाए बट यहाँ टी सुजी पड़ी आलू पड़ी से मीडियम टू हाई फ्लेम छाखे जमी दुईपट जाक भल भाव जमी गोल्डेन कलर आसे लाइट गोल्डेन कलर आसला जाए सेमती आप भाजबे देखिए सबूतक पूरी फुल किसी भी मानने सुजी आलू पड़ी बोली पूरी फुलबे सेमती नुह सबूतक पूरा बढ़िया भाव में पूरी आम फुल तो मुझे गोटे गोटे छाक पूरा देखे दूँ देखो कैसे सुंदर एटा भी फुल बाकी तक भी एमती सेम प्रोसेस छाक सब फुली जाए देखो कैसे सुंदर फुली आम पूरीटा सेम प्रोसेस बाकी तक भी आम छाक ना देखो ये आज रेडीगला आमर डिनर तो आम ए सब खाईनबू तो खाई सारापर मुझे सहित कथा हाय तो ये साढ़े दसटा हो गलाम खिया पिया सब सर जस्ट खाई आसलु खाई सारापर भी मुझे पूरा धुआ धुई हो सारे तो ये आम शोक जीव साढ़े दसटा होगा शोनु तो ये बट ए बेड को जीव ए शोला बेलू बारटा सबुद बारटा हो जाए तो ये खिया पिया सर किचेन भी मुझे सब क्लीन करदे मुझे सुट कर था भाभी बट मैंने क्लीनिंग भी देखे था बट मो पाखे पेसेंस ना तो संध्या छटर मोर ब्लॉग आज मुझे स्टार्ट करी साढ़े दसटा हो गला आज जो मुझे कड़ाई पनीर करी सब सीरीयसली बहुत टेस्टी होता कलर तो टी आस बेसी भल कलर आसलानी बट टेस्ट बहुत भल होता हजबैंड खाए लोक नुह से भी खाइले मामाली भी खाइला आज तो पूरी भी मसला पूरी से सब तरकार किसी दरकार नहीं आप खाली आचार सस् लगे आप खाईपर सतरे बहुत भल होता तो ट्राए करूँ थर थे घर एमती जदि भल लगे मत कमेंट कर रिस्पन्स जनइबे तो आज ब्लॉग को मैं ये एंड करुँ देखा नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय गुड नाइट।